नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिनभर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। बर्ड फ्लू से भारत में बड़ी दहशत, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली बनेगा कोरोना वैक्सीन का मिनी हब। दिल्ली से पूरे उत्तर भारत में किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार करेगी यमुना नदी को साफ, प्रदूषण खत्म करने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पीड़ितों की मदद से पुलिस ने पकड़े दो जालसाज। और नरेला के जूता फैक्ट्री में काम कर रहे 60 बाल मजदूर कराए गए मुक्त, एसडीएम और एनजीओ ने मारी छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना से संघर्ष के बीच बर्ड फ्लू के खतरे ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संदर्भ में अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और हिमाचल पहले से ही बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। ऐसे में इस बीमारी का फ्लो दूसरे राज्यों तक ना पहुँचे, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हर संभव कदम उठाने के निर्देश जारी कर चुकी है। पेश है रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में फैले बर्ड फ्लू के दहशत को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को किसी भी अकस्मात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि अभी तक केवल केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राज्यों से पीपी किट और अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने को कहा गया है और जनता के बीच ये जागरूकता फैलाने को भी कहा गया है कि उबालने या पकाने के बाद ही पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करना सुरक्षित है। एक आधिकारिक बयान की माने तो पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के प्रकोप की स्थिति को समझने और इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने तथा इसकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए राज्यों के साथ बैठक की। केरल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मुर्गी, कौवा और प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौत होने की सूचना मिली है। इसी के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जल स्रोतों, जीवित पक्षी के बाजारों, चिड़ियाघर, पोल्ट्री फार्म आदि के आसपास निगरानी बढ़ाने के अलावा पक्षियों के शवों का उचित निपटारा और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा को मजबूत करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए दो केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहर में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं और अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री पक्षियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ दिल्ली में संभावित हॉट स्पॉट पर नजर रखने के लिए एक टीमें गठित की गई हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पड़ोसी राज्यों से आने वाले पक्षियों पर नजर रखें। उन्होंने मुर्गी बाजारों, जलाशयों, चिड़ियाघरों और अन्य संभावित जगहों पर नजर रखने को कहा है। पंजाब के स्त्री ग्रुप, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच ड्राई रन इन दिनों काफी जोर शोर से देश के तमाम राज्यों में चलाया जा रहा है। इस बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है जो कि वाकई खुश करने वाली है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में ड्राई रन के अलावा पूरे उत्तर भारत में कोवैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन का भी हब बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। कैसे? अगर दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हब बनता है तो दूसरे राज्यों तक दवा की सप्लाई होगी और इससे पूरे उत्तर भारत में कैसे सप्लाई चेन खड़ी हो पाएगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश में जल्द ही टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, इसके लिए दिल्ली कोरोना वैक्सीन का मिनी हब बनेगा। यहां केंद्र सरकार के एक बड़े भंडारण केंद्र में कोरोना के टीके को रखा जाएगा। यहां से वैक्सीन एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन के भंडारण केंद्र तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो दिल्ली में बनाए गए केंद्र सरकार के लिए बड़े भंडारण केंद्र से उत्तरी भारत और एनसीआर के कई क्षेत्रों में टीका पहुंचाया जाएगा।
वहीं दिल्ली वासियों के लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सिविल लाइंस में एक टीका भंडारण केंद्र बनेगा। इन दोनों केंद्रों में मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज रखने की क्षमता है। इन्हीं केंद्रों से कोल्ड चैन के जरिए वैक्सीन को विभिन्न अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। राजधानी में पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीका लगना है। इनमें सबसे पहले 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहले 5 दिन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों और 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए दिल्ली में 1000 बूथ तैयार हो गए हैं। हर बूथ पर प्रतिदिन 100 लोगों को डोज दी जाएगी। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना नदी में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 बिंदुओं वाला एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान को दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा मंजूरी मिल गई है और अब इस पूरे प्लान को क्रियान्वयन करने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना है। क्या है 9 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान और कैसे इसे यमुना नदी में अमोनिया का लेवल कम होगा, आइए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 बिंदु वाला एक्शन प्लान तैयार किया है। प्लान को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। अब इसे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण और निगम द्वारा चलाया जाएगा। प्लान के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार नजफगढ़ और हिंडन नाले से गिरने वाले पानी को साफ करने के लिए कहा गया है। दरअसल हरियाणा और यूपी से गिरने वाले गंदे पानी की वजह से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है और पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को 31 मार्च तक ओखला बैराज के पास से पानी में जमा काई को हटाने के लिए भी कहा गया है। काई की वजह से फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती है और यमुना में झाग बनता है। इसके अलावा प्लान के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को अगले 31 दिसंबर तक सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए कहा है। तब तक के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों से सीवेज वेस्ट को इकट्ठा कर पंपिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, DDA, निगम और PWD नालों में गंदगी फेंकने के लिए 50,000 तक का चालान भी करेगी। प्लान के मुताबिक अगले 31 मार्च तक DDA को यमुना किनारे बसे धोबी घाट समेत अन्य अतिक्रमण को भी हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से दिल्ली सरकार यमुना को प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने 2 ऐसे शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए 2 लोगों में से एक महिला भी है। कैसे ये लोग पूरा रैकेट चलाते थे, कैसे लोगों को ठगी करते थे और ठगने के बाद जब लोग इनके पास जाते थे तो क्या कहते थे, नौकरी के नाम पर हो रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि नौकरी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं, जबकि उनकी नौकरी नहीं लगी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर जालसाज हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसा ठगने वाली फर्जी प्लेसमेंट कंपनी चला रहे थे और कोरोना काल में बेरोजगार हुए सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। दिल्ली के द्वारका शकरपुर में सैकड़ों लोगों से जॉब के नाम पर चीटिंग करने के बाद ये गैंग दिल्ली से सटे नोएडाबाद में लोगों को ठगने की तैयारी में था। पीड़ितों की मदद से पुलिस ने
महिला सहित रैकेट के दो सदस्यों को पकड़ लिया है। 4 तारीख को कंप्लेन कराई, हमें लगा हमारे हम ऐसे पैसे छोड़ने वाले नहीं है, हम कुछ करते हैं इसके लिए। पुलिस का तो रवैया ऐसा ही होता है सर, थोड़ा ढीला, और आजकल वैसी प्रोडक्ट के चक्कर में पुलिस काफी बिजी रह रही है। तो हमने क्या करा, हम फिर दोबारा वर्क इंडिया पे हम गए, फिर हमने अपने एक दोस्त है, हमारा भाई है, हमने उसको कहा नया कैंडिडेट बना के, इन्होंने फिर जिम करके एक द्वारा नई कंपनी इन्होंने खोली। हमने कहा ये वही है पक्का, नोएडा सेक्टर 63 G194 के पास में। हम वहाँ पे हमने आज सुबह 7 तारीख को हम लोग वहाँ पे सुबह अपने घर से बिना कुछ खाए पिए हम वहाँ लोग चले गए। हमने वो लड़का वहाँ पे आगे भेज दिया, क्योंकि हम मैडम को पहचानते थे, तो मैडम भी वहीं पे पहुँच गई। तो हमने फिर यूपी पुलिस को कॉल करी, मैडम भाग रही थी, लेकिन हमने उसको पकड़ा, यूपी पुलिस को कॉल करा और हमने उसके उसके सबूत करा। करने के बाद देन हमने फिर दिल्ली पुलिस को करा कि सर जो हमारे साथ चीटिंग करके भागे थे वो नोएडा पुलिस सेक्टर 63 C ब्लॉक के अंदर पकड़े गए हैं, आप आ जाइए। ये लोग बाकायदा ऑनलाइन प्लेसमेंट कंपनी चला रहे थे, जिस पर कई लोगों ने नौकरी के लिए कॉन्टेक्ट किया। कैसे ये लोग ठगी का पूरा कारोबार चला रहे थे, ये ठगों का शिकार हुई पीड़िता की जुबानी ही सुनिए। तो पता चला कि इधर हम जैसे बहुत लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, बट ही गॉट फूल्ड बिकॉज ऑफ द रीजन के आजकल सब कंसल्टेंट्स पैसे लेते हैं, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। बट वी वर रॉन्ग बिकॉज ये केस इन्होंने, ये पूरा टीम ऑफ रैकेट ऑफ जो पीपल है, दे हैव डन दिस काइंड ऑफ रैकेट इन द्वारका फर्स्ट, सेकेंड वॉज दिस लक्ष्मी नगर, और आज इनका टारगेट था सेक्टर 63 नोएडा में, जहां वो पकड़े गए हैं। हमने कुछ अपने एप्लीकेंट्स को भेज दिया था कि आप उधर नए एप्लीकेंट्स बनके जाओ, ताकि हम इनको पकड़ सके, पुलिस स्टेशन में ला सके। हमने 2 दिन पहले FIR के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था पुलिस स्टेशन चपुरपुर में, एंड दैट्स हाउ इट इज। वी अंडरस्टूड कि कम से कम 250-300 लोग थे उस दिन, संडे और मंडे के बीच में, तभी हम उनके साथ में कम से कम ऑलमोस्ट 25-30 पीपल हैव साइन FIR विथ मी, अलॉन्ग विथ मी, एंड अदर पीपल आर स्टिल गिविंग सिंगल, दैट्स हाउ इट इज। एंड वी गॉट 2 पीपल आउट ऑफ दोस 11 पीपल, बाकी लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस में शिकायत के बावजूद भी जब ये ठग गिरफ्तार नहीं हुए, तो इनकी ठगी का शिकार हो चुके पीड़ितों ने ही इस गैंग का पता लगाने की कोशिश की, जिसमें ये लोग कामयाब भी हो गए, और पीड़ितों की वजह से ही ये दो ठग पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं। फिलहाल इन लोगों ने पूरी तरह से तो अपने जुर्म कबूल नहीं किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं नौकरी दिलाने की बात जरूर मानी है। 8-9 लोग और किस तरह से पैसे लिया करते थे, कैश लिया करते थे, कितने कितने पैसे लिया करते थे, और किस किस हिसाब से जॉब, जो जॉब दिलाते थे आप, उसमें क्या कुछ पैसे होते थे, उसमें किस तरह के पैसे होते थे, 2,000, 3,000, 10,000 ऐसे? 1,200 और 2,400। पीड़ितों की मदद से यूपी पुलिस ने इन ठगों का पर्दाफाश करते हुए नोएडा सेक्टर 63 से इन्हें गिरफ्तार किया, और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर इनके गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक जूता फैक्ट्री से 60 मासूम बाल मजदूर मुक्त कराए गए हैं। SDM को मिली एक जानकारी के बाद इस फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 60 बच्चों से बाल मजदूरी का काम करवाया जा रहा था। पेश है रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से नॉट DM, SDM और निजी संस्था ने मिलकर 60 मजदूर बच्चों को फैक्ट्री से मुक्त कराया है। मामला नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां SDM की देखरेख में एक NGO द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कई फैक्ट्रियों से छापेमारी कर करीब 60 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। ये बच्चे जूते फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इन्हें 100 से 150 रुपए रोज मजदूरी मिलती थी और कहीं भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी। मुखबिर के जरिए जब ये जानकारी NGO को मिली, तो यहाँ छापा मारा गया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में रेड दी गई है, और ये SDM नरेला की मदद से और DM अलीपुर की मदद से ये हमने रेड करी है, और ये मेनली 4 फैक्ट्रीज थी, जिनमें शू मैन्युफैक्चरर थे और किचन अप्लाइंसेस वहाँ पे बनता था, और हमें ये लगता है कि ये ट्रैफिकिंग है, और साथ में बॉन्डेड लेबर का हमने इस पर
सुझाव दिया है कि हमें इस पे केसेस बॉन्डेड लेबर के भी बनाए जाए। रीज़न बीइंग कि बच्चों को वहीं पे ही कई महीने से रखा हुआ था, कोरोना वायरस के चलते चलते उन बच्चों को 12-12, 14 घंटे काम कराया जा रहा है और उनको 100 से 150 रुपये सिर्फ दिया जा रहा है पर डे, और खाना पीना रहना उनका सब वहीं है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। तो हमें जैसे ही हमारी अपनी टीम ने कुछ रेकी करी और उनको सूचना मिली तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये हमने एक रेस्क्यू किया जिसमें 61 बच्चे हैं और करीब 12 से 13 लड़कियां हैं और बाकी सारे लड़के हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोग काम कर रहे हैं। एनजीओ ने 60 बच्चों को यहाँ से बरामद करवाया है जिसमें से 13 लड़कियां और बाकी लड़के हैं। फैक्ट्री से छुड़वाए गए बच्चों की उम्र 8 से 17 वर्ष है। रेस्क्यू के दौरान मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, CDMO और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में सभी बच्चों का मेडिकल और कोविड टेस्ट भी कराया गया है। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे न जाने कितने बाल मजदूर ऐसे ही कारखानों में कैद हैं और उनको मुक्ति कब मिलेगी? क्यों बाल मजदूर कानून का लोगों में डर नहीं है? पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली NCR की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।